दोस्तों एनवीएम में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं हूं अकील खान। दोस्तों आज हज हाउस में पेट्रियोटिक इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया के बैनर तले एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सुशांत सिंह, डॉक्टर राम कुनियानी और एडवोकेट फैजान मुस्तफ़ा इत्यादि ने अपने विचार प्रकट किए। तो इस वीडियो में हम उनके विचारों के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपके सामने आज दो खास बातों पे ख्याल दिलाना चाहूंगा कि सांप्रदायिक राजनीति ये क्या होती है और दूसरा इसका मुकाबला करने के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है। तो पहली बात याद रखिए, जो मेरी समझ है, सांप्रदायिक राजनीति का धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, कम्युनल पॉलिटिक्स हैज नथिंग टू डू विद द मॉरल वैल्यूज ऑफ द रिलीजन। ये धर्म का आवरण उड़ती है, भगवान राम की बात करती है, गौ माता की बात करती है, लव जिहाद की बात करती है, घर वापसी की बात करती है। किस समय? उस समय जबकि देश में गरीबी बढ़ रही है। पुराने जो दिए हुए वादे थे आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, कभी नहीं आए। पुराने जो वादे थे, गरीबी दूर होगी, नौकरियां मिलेंगी, स्त्रियों को सुरक्षा मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। और उसके जवाब में सामने क्या रखा गया कि हमारा धर्म संकट में है। और ये जो राजनीति धर्म के नाम पे लाई गई, उसका आधार होता है सांप्रदायिक हिंसा। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये जो मैं कह रहा हूं, इस बात को ऐसा जो अध्ययन करके मुझे समझा कि सांप्रदायिक हिंसा जैसे बढ़ती जाती है, सांप्रदायिक राजनीति और मजबूत होती जाती है। और सांप्रदायिक राजनीति का आधार होता है सांप्रदायिक हिंसा, दंगे। 1992-93, मुझे खुशी है आज उस जनरेशन के लोग पे यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने 1992-93 का दर्द महसूस नहीं किया होगा, और कई हम जैसे लोग भी होंगे जिन्होंने 1992-93 के दर्द को महसूस किया है। और ये जो दंगे, अब दंगे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जरा बताइएगा दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? आप सबको पता है दंगे ऑटोमेटिक नहीं होते, दंगे करवाए जाते हैं। सवाल नंबर दो, कोई भी काम कौन करवाएगा जिससे उसको फायदा होगा? पॉलिटिशियन मत बोलिए, पॉलिटिशियन में गांधी भी पॉलिटिशियन थे, नेहरू भी पॉलिटिशियन थे, पटेल भी पॉलिटिशियन थे। वो पॉलिटिशियन जो मजहब के नाम की सियासत करते हैं, मैं इस बात के विरोध में हूं कि हर एक पॉलिटिशियन को आप एक ही कचरे के डब्बे में डाल दो। पॉलिटिशियन में भी फर्क होता है, 1920 का फर्क हो, 1921 का फर्क हो, 1820 का फर्क हो, पर फर्क होता है। फर्क क्या होता है? वो लोग एक तरफ जो लोगों के रोजी रोटी, कपड़ा, नौकरी, मकान, स्वास्थ्य, अधिकारों की बात करते हैं, एक तरफ वो लोग होते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो बात करते हैं भावनात्मक मुद्दों की। मेनली दे ट्राई टू प्ले अराउंड अवर इमोशंस, और इमोशंस के लिए धर्म से कोई बड़ी खतरनाक चीज नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के सभी धर्मों में ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो हमको इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाते हैं। मेरी धर्म की परिभाषा है जो इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाए वो धर्म है, और जो नफरत करना सिखाए वो कुछ राजनीतिक लोग हैं जो सियासत में आते हैं ताकि पावर में आ सके और पावर में आके अपना एजेंडा पूरा कर सके। तो खैर, इसी के तहत थोड़ा पर्सनल बता दूं, 1992-93 में मैं IIT के सुरक्षित कैंपस में था और अचानक सुनाई देने लग गया बाबर की औलाद जाओ इधर या जाओ उधर। मैं बोला अचानक ये बाबर कब्र से उठ के कैसे आ गया, मुझे समझा ही नहीं। बाबर को मरे तो इतने साल हो गए, बाबर को क्यों जिंदा किया जा रहा है? तो फिर बाद में उससे एक बात पता चली कि मुसलमान राजाओं के कुछ कार्यों को सेलेक्टिवली नॉट ऑल, कुछ कार्यों को पकड़ के उसके आधार पे आज के मुसलमानों को बदनाम करना। अब बाबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो औरंगजेब ने कोई गलत काम किया तो क्या आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। और ये साइकोलॉजी बनाई गई, ये मुसलमान राजा वेरी बैड, घोड़े पर बैठ कर आए। ऑब्वियसली घोड़े पर बैठते ही ना, उनके पास पुष्प विमान थोड़ी था, घोड़े पर बैठ कर आए, वो
उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। तलवार से लोगों को डराया और कहा ये कुरान स्वीकार कर लो नहीं तो तुमको खत्म कर देंगे। अब मैं हर जगह बोलता हूँ, एक जगह कॉलेज में गया, लड़के थोड़े ज्यादा, लड़के लड़कियां ज्यादा थोड़े तेज थे, जैसे मैंने बोला लोग कहते हैं मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आए, तो दो स्टूडेंट खड़े हो गए, बोले सर अगर ऐसा है तो घोड़े की लगाम कौन संभाल रहा था। मैं मानता हूँ जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो मजहब नहीं होता, जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम को हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम कहता है आपके लिए आपका धर्म मेरे लिए मेरा धर्म, उसका धर्म ठीक है। अब भारत में धर्मांतरण हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुसलमान राजा। अपने अंदर की कमजोरियों को बाहर दिखाना, धर्मांतरण क्यों हुआ ये मैं सीखता हूं स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद संकलित रचनाएं खंडार पृष्ठ 330 में लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहां तलवार के नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये एक बात हो गई। फिर भाई हमारे मंदिर तोड़े गए। अब मंदिर तोड़ने में भी मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो शायद आप देखते भी होंगे, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि मंदिर तोड़ने के पीछे बहुत राजनीति की गई। सोमनाथ का मंदिर, फिर वो जिसको सबसे खराब राजा माना जाता है, किसको खराब राजा माना जाता है? औरंगजेब। अब वो मजे की बात बता दूं कि ये कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी जो इसमें मैं थोड़ा सा बात करूंगा, वो इंडिया और पाकिस्तान में एक दूसरे के विरोध में चलती है। अब यहाँ मैंने आपसे भी पूछा, मुस्लिम मेजोरिटी क्राउड को भी पूछा, सबसे खराब राजा किसको माना जाता है, तो आपका जवाब क्या था? औरंगजेब। एक बार मैं पाकिस्तान जाने का मौका मिला, मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला, डरिए मत, सुरक्षित आ गया और वजन भी बढ़ गया, खाने को अच्छा मिला। अब वहां भी मैंने यही सवाल पूछा कि यहाँ का होने वाला सबसे अच्छा राजा कौन था, क्या जवाब था? औरंगजेब। अब ये हमारे समझ है, ये जो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी है जिसमें राजा को अपने मजहब के आधार पे देखा जाता है, और यही औरंगजेब जिसने काशी में वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाया, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर पट्टा भी इसी तरह रमैया की किताब है फेदर्स एंड स्टोन, उसमें वो बताते हैं कि मंदिर क्यों तोड़वाया गया, उसमें मैं नहीं जा रहा, पर आपको मैं इतना बताना चाहता हूं इसी औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को बड़ा बड़ा दान दिया। अब मैं हैरान हो जाता हूं, एक तरफ वो एक मंदिर को तोड़ रहा है, दूसरी तरफ कामाख्या देवी का मंदिर, महाकाल का मंदिर, उज्जैन के मंदिर को दान दे रहा है। मेरी समझ के बाहर था। मुझे समझ में तब आया जब पता चला औरंगजेब ने एक मस्जिद को भी तोड़ा था। सरप्राइजिंग, कब तोड़ा? तोड़ा था गोलकुंडा में। क्यों तोड़ा? गोलकुंडा के नवाब ने 3 साल तक औरंगजेब को लगान नहीं दिया। लगाने में अब टैक्स पे ही तो राजा का काम चलता है, 3 साल तक लगान नहीं दिया। इसने पूछा हुजूर क्या बात है लगान नहीं दिया, तो तानाशाह बोलता है हुजूर मेरे राज्य में अकाल है, ड्राउट है, लोग मुझे लगान नहीं दे रहा, मैं आपको कहां से दूं? औरंगजेब बड़ा चला, जासूस भेजे, जासूस ने आके बताया कि सर इसने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है, आगे की बात नहीं बताया चलेगा? राजा लोग राज्य क्यों करते थे? मजहब के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए? सत्ता संपत्ति के लिए। एक आखिरी उदाहरण देकर मैं मुख्य बात पर आना चाहूंगा। आज हमारे दिमाग में ऐसा है कि जैसे हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ, इस प्रकार से बात चली। पाकिस्तान में जैसे फैजान साहब ने बताया कि वहां हिंदू और क्रिश्चियन तो छोड़ो, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उन पर भी अत्याचार होता है। बांग्लादेश में कई सालों तक हिंदू और बौद्ध लोगों पर अत्याचार हुआ, तो भारत में जो अत्याचार क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स पे है उसके पीछे भी जो कारण बनाए गए उसको कुछ इतिहास से लिया गया। ऐसे लगता है कि जैसे हिंदू एक तरफ खड़े थे मुसलमान एक तरफ खड़े थे, ये मामला बिल्कुल गलत है। वास्तव में आपको बताना चाहूंगा भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर यहाँ की सभ्यता संस्कृति साहित्य कला को बनाया। बहुत सारे राजा से शुरुआत करता हूँ, फिर अपने संस्कृति और कला पे थोड़ा सा आ जाऊंगा।
एक अभी आपको पता होगा राजस्थान में पहले गवर्नमेंट थी बीजेपी की, ठीक, बीजेपी का नाम मेरे मुंह से बहुत देर तक आएगा, डोंट वरी आई विल कैरी ऑन। बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उसमें एक मंत्री महोदय थे, वो शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं तो एजुकेशन का इंचार्ज हूं, मैं तो वाइस चांसलर से भी ऊपर हूं, तो मैं क्यों ना रिसर्च करूं। तो उन्होंने एक रिसर्च किया कि भाई ये हल्दी घाटी में अकबर और राणा प्रताप की जो लड़ाई हुई थी उसमें अकबर बोलते हैं जीत गया, पर बोले अकबर जीता नहीं था, अकबर हार गया था और राणा प्रताप जीत गया था। क्या रिसर्च किया उसने, किताबों में डलवा दिया। अब खैर ऐसे बड़े लोगों से मुलाकात करने का मौका तो अपने को मिलेगा नहीं, पर फिर भी कभी मुलाकात होगी तो उनको बोलूंगा भैया जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता। पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की फौज खड़ी है, एक तरफ राणा प्रताप की फौज खड़ी है, और अकबर की फौज में आप देखोगे तो अकबर खुद गायब है, छुट्टी पे है। आई डोंट नो कौन सी छुट्टी थी, वो मुझे मालूम नहीं, पर अकबर छुट्टी पे है। अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, उसका नाम है राजा मान सिंह। तो बताइए अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों है। राणा प्रताप की तरफ जाता हूं तो देखता हूं राणा प्रताप के एक बड़े जनरल का नाम है हकीम खान सूर। बताइए राणा प्रताप की फौज में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों है? यस, सम अप कर लेते हैं, दोनों तरफ हिंदू है, यस नो, दोनों तरफ मुसलमान है, यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? और आज हमारे दिलों में ऐसी आग लगाई गई कि ये हमारे दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन है। वास्तव में एक एग्जाम्पल मैं आज जरूर देना चाहूंगा, बंबई फिल्मों की नगरी है, और खैर कुछ नई जनरेशन के लोग हैं इसलिए मैं वो उदाहरण नहीं देना चाहता, नहीं तो एक बहुत प्यारा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी बीबीसी ने एक सर्वे किया एनआरआई इंडियंस का कि हिंदी फिल्मों के 10 सबसे लोकप्रिय भजन कौन से हैं, और उन भजनों में कई भजन थे जो मोहम्मद रफी ने गाए हुए हैं, जिसका फिर भी नौशाद दे दिया है, और एक जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है मेरी जनरेशन के हिसाब से वो है मन तड़पत हरि दर्शन को आज। लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफी, और संगीत देने वाले का नाम नौशाद। इसको मैं यही मन करता हूँ, हमारा जो मेल जोल था, प्रेम मोहब्बत था, मैंने बचपन में हिंदी साहित्य से लगा होने के कारण प्रेमचंद की कहानियों में वो सब देखा, और वो खैर आज भी कई बार दिखता है। अभी आपको तो पता होगा हमारे बम्बई में खास तौर से एक चीज बहुत पॉपुलर है खाने पीने की, वड़ा पाव, वेरी गुड है। अब वड़ा पाव, मैं वड़ा पाव का स्टडी करता हूँ, वड़ा पाव के बाहर क्या है? पाव। पाव आया था अफगानिस्तान से, प्लीज नोट, अंदर वड़ा, वड़ा बनता है चने की दाल से, चने की दाल आई मेक्सिको, अंदर आलू, आलू आया स्पेन से, और स्वाद के लिए डालते हैं अदरक, अदरक वहां से आई थी जहां से आजकल प्रायः सभी चीजें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों, चाइना, वेरी गुड, वहां पर जाइए, अभी वायरस चल रहा है, वहां से दूर रहिए। खैर अभी हमारा मिला जुला है, और अभी बीच में अभी वो हुआ था, आपको पता है शहरों के नाम बदल रहे, अलाहाबाद, अलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, फिर वो फैजाबाद का अयोध्या हो गया। तो एक जर्नलिस्ट साहब भारत के महानतम इतिहासकारों में से एक प्रोफेसर इरफान हबीब के पास पहुंचे, और जर्नलिस्ट ने इरफान साहब को पूछा ये क्या चल रहा है, शहरों के नामों को क्यों बदला जा रहा है? तो इरफान हबीब बहुत गहरे स्कॉलर, वो बोलते हैं कि देखो भाई भारतीय सभ्यता ये मिली जुली सभ्यता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन सब लोगों के मिली हुई सभ्यता है, इसमें से ये इस्लामिक कॉम्पोनेंट को निकालना चाहते हैं। फिर इरफान साहब एक मजाक करते हैं, पर इनको निकालना है तो उनको बड़ी तकलीफ होगी, क्यों? उनको सबसे पहले अमित शाह का नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि शाह शब्द कहां से आया? ईरान से आया। तो हमारी इतनी मिलिट्री परंपरा में ये क्या होगा? अब ये चीजों में सांप्रदायिक राजनीति कहां से आई? हिंदू मुस्लिम जो मिलकर रहते थे, मैंने क्रिश्चियंस का ज्यादा नाम ले लिया क्योंकि वो केवल 2.3% अभी भी है, भले उनको उसके लिए मारा पीटा जाता है कि आप कन्वर्ट कर रहे हो,
फादर भी इतने सालों तक यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, पता नहीं उन्होंने कितनों को कन्वर्ट किया, दैट आई डोंट नो, पर आज भी तक तो 2.3% है। पर एक बात आपको याद दिला दूं, हम में से कई लोग बर्थडे मनाते हैं, यस नो? क्या काटते हो आप? कहाँ से आया सोच लीजिएगा। तो यानी इस प्रकार की भारतीय सभ्यता संस्कृति साहित्य कला को तोड़ने की बातें जो चालू हुई वो अंग्रेजों के आने के बाद चालू हुई। ये अंग्रेजों के आने के बाद जो चालू हुई तो मैं थोड़े से भी बताना चाहूंगा, अंग्रेज यहाँ आए मुख्य रूप से आगे व्यापार के नाम पर, फिर क्या किया? शासन किया, फिर क्या किया? हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए। अब कोई भी चीज केवल काले और सफेद रंग की नहीं होती, उसमें कई अलग शेड्स ऑफ ग्रे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। अंग्रेजों ने कुछ जो अच्छी चीजें की वो भी हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और सबसे पहली जो चीज की उन्होंने उनके उनको उन्होंने यहाँ तीन मेजर चीजें लाई जो आपको याद हो जाएंगी अभी। पहले जैसे मान लीजिए अपना पुणे है, पुणे, पुणे से उनको कोई सामान ले जाना है लंदन, तो पहले कहाँ लाना पड़ेगा? बॉम्बे, मजगांव टाउन। तो पुणे से बॉम्बे सामान पहले कौन सी गाड़ी में आता था? हेलो, सिंपल है, बैलगाड़ी। अंग्रेजों ने बोला बैलगाड़ी बहुत स्लो है, तो बैलगाड़ी के क्या बदले लाए? रेलगाड़ी। पहला परिवर्तन रेल। नंबर दो, ब्रिटिश वॉइसराय कोलकाता में रहता है, उसको अपने पूरे देश के ऑफिसर्स को लेटर्स भेजना रहता है। मेरे सवाल को सोच के जवाब दीजिए, अंग्रेजों के आने के पहले लेटर्स पत्र कौन ले जाता था? कबूतर। वेरी नाइस, कबूतर सबको याद है क्योंकि कबूतर जनरली प्रेम पत्र ले जाते थे। एनीवे, फाइन। अब उन्होंने बोला ये तो बड़ा स्लो मामला है, उसके बदले बोला है टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, उसको हम कहेंगे मेल। और तीसरा बोला है आधुनिक शिक्षा, वेरी गुड, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम। और जुडिशियल सिस्टम की परिणति कहाँ होती है? जेल। फिर जब याद रखने के लिए आसान, रेल, मेल और जेल। इसी के साथ तीन नए वर्गों का अस्तित्व हुआ और यहां से सांप्रदायिक राजनीति चालू होती है। तीन नए वर्ग कौन से आए? पहले वर्ग वो थे जिन्होंने यहां फैक्ट्रियां खोली, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया। दूसरा वर्ग कौन सा? वो मजदूर वर्ग जो फैक्ट्रियों में काम करने लग गया। और तीसरा वर्ग वो जो था आधुनिक शिक्षित वर्ग, इनको मैं कहता हूं उभरते हुए वर्ग, द राइजिंग क्लासेस। अब राइजिंग क्लासेस में से इंडियन नेशनलिज्म आता है, आई प्रूव इट। और जो दूसरे पुराने लोग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनको मैं कहता हूं डूबते वर्ग, इनका पावर कम होने लग गया। अब जब इनका पावर कम होने लग गया तो बड़े मजे की बात है, तो मुसलमान नवाब और मुसलमान जागीरदार कहते हैं इस्लाम खतरे में है। हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में है। मेरा विश्वास कीजिए, धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में होता है लोगों का पावर। एनीवे, तो इस तरह से आए तीन प्रकार के संगठन, शहीद भगत सिंह, नौजवान भारत सभा, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनीवे से सरदार बलदेव सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं किसी को वोट देने के लिए नहीं बोल रहा, वोट देना आपकी चॉइस है, ठीक है। अब इधर से तीन संगठन है, इनके नाम का पैटर्न देखिए। और डूबते वर्गों में से जो संगठन आए उसके एक लीडर का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम क्या था? मुस्लिम लीग। दूसरे लीडर आए विनायक दामोदर सावरकर, कौन सी पार्टी जॉइन की? हिंदू महासभा। और इसी हिंदू महासभा के विचारों को लेकर वो ऑर्गेनाइजेशन बना जो आज का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है शायद पूरी दुनिया का। जो लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे आजकल फुल पैंट पहनते हैं, कौन सा? वेरी गुड, आरएसएस। तो आरएसएस को हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो जरा ख्याल कीजिए, इनके विचारों का उदय होता है डूबते हुए वर्गों से, राजाओं से, नवाबों से, इनकी विचारधारा से जो लोकतंत्र में विश्वास दे रहे थे। भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, मेरे तीन प्रतीक, ये तीनों प्रतीक लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों की रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की बात करते हैं। और जहां तक मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, हिंदू सांप्रदायिकता हो, क्रिश्चियन सांप्रदायिक, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, या बुद्ध धर्म के नाम पर आने वाली सांप्रदायिकता सिलोन में हो या म्यांमार में हो, ये लोग लोगों के सवालों के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो सवाल ये है आज हम क्या करें? ये मैंने मोटे तौर से बता दिया कि धर्म के नाम की राजनीति
इसका कोई आधार धर्म के नैतिक मूल्य में नहीं होता। धर्म के नाम की राजनीति ये पुराने मूल्यों को आज के समाज में लाना चाहती है। शॉर्ट मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग हो, अफगानिस्तान में उस प्रकार के संगठन हो, या अमेरिका का क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, म्यांमार के बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म हो, सबका एक ही तरीका रहता है कि जो सामंती फ्यूडल वैल्यूज रहती हैं उनको सामने लाने की कोशिश। और भारत के संदर्भ में अगर इसको सारांश में समझना हो तो दिस द लास्ट पॉइंट बिफोर आई कम टू व्हाट वी शुड बी डूइंग। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, इधर से ख्याल कीजिए, मैंने कई लोगों का नाम लिया, अब एक नाम याद रखिए, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। इधर से एक नाम याद रखिए, के सुदर्शन। नाम सुना है? सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो भी जाने दीजिए, समझने की जरूरत नहीं। अब डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए कई कई चीजें किया, कालाराम मंदिर का आंदोलन, चौदार तालाब का आंदोलन, और इसमें जब उनको असफलता मिली उन्होंने किताब को जलाया। कौन सी किताब को जलाया? मनुस्मृति। मनुस्मृति जलाते समय बाबा साहब ने कहा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, जो हमको क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। एक बार के सुदर्शन सन 2000 में आरएसएस के मुखिया बने, और आरएसएस का मुखिया बनने के बाद उन्होंने एक बयान दिया कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। वो देशी विदेशी के बारे में बड़ा परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों, इसीलिए बोलते हैं इस्लाम विदेशी रिलीजन है, विदेशी धर्म है, क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, जबकि मैं मानता हूं पूरी धर्म पूरी मानवता के लिए है, किसी एक देश किसी एक एरिया में नहीं है। तो ये संविधान विदेशी है, फेंक दो, और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे हो। बाबा साहब अम्बेडकर, के सुदर्शन, इनके फर्क को ख्याल रखिए। तो अब सवाल ये है कि आरएसएस की आलोचना में मैं करीब 2 घंटे लगा सकता हूँ, डरिए मत, मैं नहीं लगाऊंगा। मेरा सवाल इतना है, आरएसएस की आलोचना करना आसान है, उसका मुकाबला करना मुश्किल है। तो जो मेरा एक पिरामिड जरा देखिए, प्लीज परमिट मी जस्ट 2 मिनट्स। मेरा पिरामिड ऐसा है, आज समाज में सांप्रदायिकता बढ़ी क्योंकि समाज में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भावनाएं फैलाई गई, मिसकंसेप्शंस, गैर समझ, स्टीरियोटाइप्स, बायसेस। मंदिर तोड़े गए, धर्मांतरण हुआ, 4 बीवियां 20 बच्चे, इस्लामिक आतंकवाद, क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करते हैं, ये फैलाया गया। ये ग्राउंड है, दिस अ ग्राउंड जिसके ऊपर नफरत आई, और नफरत के कारण ही दंगों को भड़काया जा सकता है, राइट रॉन्ग, और इसी नफरत के कारण ये जब दंगे होते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति पहले से मजबूत होती है। अब ये मैं तो कह रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सुनिएगा, ये मेरा कंक्लूजन नहीं है, ये कंक्लूजन मैंने येल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट से लिया है। येल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना? अच्छा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, मैंने नहीं सुना था पहले, वो फिर क्या हुआ बाद में, अपनी एमएचआरडी मिनिस्टर मैडम थी ना, वो लोग कहते थे कम पढ़ी लिखी है, तो उनको बुला रही तो कम पढ़ी लिखी है, मुझे बोला क्या कम पढ़ी लिखी बोलते हो, मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ। तब से मैंने येल यूनिवर्सिटी को स्टडी करना चालू कर दिया, और येल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, जिस भी एरिया में दंगे करवाए जाते हैं वहां वो पार्टी पावरफुल हो जाती है जो आज सत्ता में है। तो क्या करेंगे हम? वेरी गुड मीटिंग, आगे कल क्या करेंगे? सबसे पहली बात मेरी जो समझ हुई है कि समाज में ये जो मिसकंसेप्शंस फैलाए गए हैं, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, दलित्स के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, उसकी क्लैरिटी लेकर हम उसको समाज तक ले जाए। समाज तक ले जाने के लिए लेक्चर, वर्कशॉप, व्हाट्सएप, जो भी हो, आज व्हाट्सएप का उपयोग नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप का उपयोग मोहब्बत फैलाने के लिए? कमजोरी हमारी है, इनको फायदा नहीं है। इस प्रकार की सेमिनार्स, लेक्चर्स, छोटी बुकलेट्स और ऐसे तरीके जो सोशल मीडिया के हों, सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल करके हम प्यार के संदेश को अपने घर में, कम्युनिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह ले जाएं। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2,
आज हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई है, और ये नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी का रास्ता, मौलाना अबुल कलाम आजाद का रास्ता, खान अब्दुल गफ्फार खान का रास्ता, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रास्ता, जो अलग अलग धर्मों के लोगों को प्यार से एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसको लीजिएगा। कभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इतिहास को देखने के भी बहुत तरीके हैं। नॉमिनल हिस्टोरियोग्राफी एक है, नेशनल हिस्टोरियोग्राफी दूसरी है, सबऑर्डिनेट हिस्टोरियोग्राफी तीसरी है। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दैट, पर एक अच्छा मैसेज पूरे समाज में फैलाना। नंबर तीन, ये जो समाज में नफरत की दीवारें तोड़ी बन गई हैं, उसको तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये हम कैसे करेंगे? हमारे जो त्यौहार है जिसमें हम प्रेम मोहब्बत को बांटते हैं, मिलकर त्यौहार बनाएं। होली हो, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, हमारे जो महापुरुष है भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी, मौलाना आजाद, इनकी जयंती को हम मिलकर बनाएं, नफरत की दीवारों को तोड़े। और नंबर तीन, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि गरीब लोगों के हकों को खत्म किया जाए। मैं लीगल लैंग्वेज में तो बोल नहीं सकता, फैजान साहब से सीखता रहता हूँ, पर इतना मुझे पता है कि मुख्य मुद्दा आज है गरीब लोगों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए सब षड्यंत्र चल रहा है। तो उनके अधिकारों के जो आंदोलन है, उनके साथ खड़े होकर सॉलिडेरिटी में उनके साथ एकता दिखाकर हम समाज को आगे बढ़े। और चौथी और अंतिम बात जो आज मैं कहना चाहता हूँ, सर ने तो इतना डिटेल बता दिया, पर मैं कहना चाहता हूँ, शाहीन बाग ने एक बहुत प्यारा संदेश हमको दिया है कि ये केवल मुसलमानों का मामला नहीं है। विद्यार्थियों ने शुरू किया और इस शाहीन बाग ने आज हमको पूरे देश की उस विरासत को याद करा दिया जो महात्मा गांधी ने जिसके नींव रखी, और उस प्रकार के आंदोलन के साथ खड़े होकर देश की एकता को मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच।